मोदी जी के व्यक्तित्व कृतित्व में कितने ही काम हुए। हम चर्चा करते हैं लेकिन चर्चा में वो भाव नहीं आते जो कि आने चाहिए। काव्येषु नाटकेषु रम्यम्, काव्यों में नाटक सबसे रमणीय काव्य है, ये अभिज्ञान शाकुंतलम में एक जगह लिखा है। तो यानी जब स्क्रीन पर कोई चीज आती है तो हमेशा दिमाग के पटल पर ले जाती है, और प्रचार और प्रसार का कितना महत्व है। यदि हम पौराणिक रूप में जाए तो नारद जी साथ मिला करते हैं, खबरों को इधर उधर ले जाने के संप्रेषण का काम नारद जी ने किया है। सबसे पहले पत्रकार कहिए, चर्चा को फैलाने वाला कहिए, देवर्षि नारद कर। तो इसका महत्व तब भी था जब देवताओं का युग था, या देवताओं को भी महसूस होता था उसका महत्व, और आज भी है। फिर स्मृति और श्रुतियों के माध्यम से हमने अपने ज्ञान को आने वाली विरासतों को सौंपा, आने वाली पीढ़ियों को सौंपा। जो स्मरण था लोगों को उन्हें सुनाया, हमें महाभारत, रामायण, शिव पुराण, जो घटनाएं हैं जो हम रोज बोलचाल में बताते हैं, कहां से ज्ञान प्राप्त। ये स्मृति के बाद, श्रुति और श्रुति के बाद आगे संप्रेषण हुआ। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है, मैं बताना चाहता हूं आपको, वरना ये सब कहानियां, ये सब हमारे प्रेरणा का प्रसंग आने वाली नस्लों तक नहीं पहुंच पाते यदि इनकी चर्चा नहीं होती। और चर्चा कितनी जरूरी है। राजनाथ जी का कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत पुराने नेता, वो कहते थे कि राजनीति में चर्चा, पर्चा और खर्चा ये जरूरी है, अपने आप के व्यक्तित्व को विकास करने के लिए और कृतित्व को बनाने के लिए। पर्चे से मतलब प्रचार था, और चर्चा से मतलब उनको लाने का। फिर प्रचार का माध्यम मीडिया बना, प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो हम करते थे वो जनता तक पहुंचता था, लेकिन अखबार पढ़ने वाले लोग भी कम थे। एक गांव में दो चार अखबार आते थे, वाचनालय हुआ करते थे, वहां पहुंचे लोग, गांव वाले आके पढ़ लिए, चले गए, कुछ ने पढ़ा कुछ ने नहीं पढ़ा। उसके बाद प्रिंट मीडिया के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी, और कितना असर होता है इस मीडिया का कि उस समय 45 साल के राजीव गांधी थे जब इंदिरा जी की डेथ हुई, और पूरे टीवी ने अनाथ हो गया, अनाथ हो गया, अनाथ हो गया। ऐसा प्रचार हुआ कि हिंदुस्तान की सभी महिलाएं उस अनाथ को वोट दे गई जो 45 साल का था, और 400 सीटें, 403 या 402। यह उस टीवी के माध्यम से जो हुआ प्रचार था, एक सहानुभूति जो घर घर पहुंची। तब टीवी में आया था, ब्लैक एंड व्हाइट था, उसका असर। तो मैं इन बातों से आपको यह बताना चाहता हूं कि इसका क्या असर होता है। आजकल और एडवांस हो गया है सोशल मीडिया, जिसने इसका सार्थक उपयोग कर लिया वो आने वाले समय में सफल होगा, वरना पिछड़ जाए। अब सार्थक उपयोग कैसे हो,
उसको कैसे हम असरदार असरदार बना सकते हैं। टेक्निकल बात है, आपने बताया आप अभी आपने सुनी कि हमें ऊपर से जो मिलेगा हम उसको कैसे प्रसार करें, नीचे से हम कैसे बातों को वहां तक पहुंचाए। अभी सहारनपुर में था दो दिन पहले, योगी जी की रैली, वहां योगी जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही, सुनता हूं माफियाओं को या तो जेल में जा रहना पड़ेगा या चांदपुर में जाना। ये पंच लाइन प्रसार हुई, हमको इसका प्रचार करना चाहिए, क्योंकि जब ये बोले थे तो पूरा पांडाल तालियों से गड़गड़ाहट कर रहा था, यानी हर एक को ये बात अभी। तो जो दिलों को छूती है बात, उसका प्रचार और प्रसार होना चाहिए। तो उसके बाद जब मैंने अपने फेसबुक को देख रहा था तो योगी जी का वही भाषण आया, उसमें से मैंने वो पंचलाइन को सेलेक्ट करके आगे बढ़ गया। कि आप सब लोग मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, कैसे इसका उपयोग करें, कौन सी बात अंतिम बिंदु तक पहुंचाने में मददगार होगी, या कैसे हम प्रस्तुत करें और ज्यादा असरदार होगी। अब एक जैसे मान लीजिए, हम बहुत गाते हैं, सब लोग कहते हैं और किया भी है, कि आयुष्मान कार्ड, अब वैसे आयुष्मान कार्ड दे रही है सरकार, 5 लाख से इलाज चला रही है, एक सेंटेंस बोल दिया कितना भाई, जरा बात खत्म करो, जरा इसको बाद में करा लेना भैया। तो वो बात ज्यादा असरदार कैसे हो, कैसे उदाहरण दे, क्योंकि चिकित्सा का कितना महत्व होता है। आपने कहते सुना होगा कभी किसी को, कोई माँ किसी डॉक्टर से बात कर रही है कि मेरे बेटे को बचा लीजिए चाहे मेरा घर धुला मिल जाए, या कहीं मंदिर में बात कर रही है कि हे भगवान मेरे जीवन को मेरे बेटे को दे दे, मेरा जीवन ले ले, मेरे बेटे को बचा ले, यह आवश्यक। और हम सिर्फ आयुष्मान कार्ड में कहकर उसको समाप्त कर दें, तो ऐसे कुछ लोगों को तैयार करें, या जिनके साथ यह हुआ है उनको तैयार करें, छोटी क्लिप बनवाइए कि आपको आयुष्मान कार्ड से क्या लाभ है। जिनको बिल्कुल इतना ममत्व भरा एक भावनात्मक लाभ मिला हो, किसी महिला का पति यदि बच गया, और मैं उदाहरण बताऊं आपको, हमारे क्षेत्र का मामला, एक गोलगप्पे बेचने वाला एक आदमी, तो रात में लौट रहा था ट्रक की चल के मर गया। अब क्या उसके परिवार, उसकी उम्र थी कोई लगभग 40 साल, उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे, तो उसकी पत्नी हमारे क्षेत्र का था, मैं घर गया उसके, पर उसकी पत्नी से पूछा कि ये तुम्हारे पति ने वो जो योजना चली थी मोदी जी की बीमा योजना, वो कराई है क्या। उसने कहा हाँ, कह तो रहते कराए तो है, क्योंकि उसको अंधेरा नजर आ रहा था, लेडी को अपने दो बच्चे, हस्बैंड की डेथ हो गई, क्या करेगी। तो मैंने कहा अगर वो कराया है तो मोदी जी की योजना से 2 लाख रुपया हो गए, और 2 लाख से छोटा मोटा काम कर लेना, कराया था उसे 2 लाख मिले, उसने छोटा मोटा काम किया, आज बच्चे भी पाल रही है, अपना जीवन यापन भी कर रही है, उसके अच्छे दिन आए ही दिया। अब इसकी छोटी सी क्लिप बनवाई, यानी बनवाई अपने आप,
ऐसी घटना आपके यहां भी होगी और उसको वो असर करेगी दिमाग पर। ये काम हुआ है उसके कारण। जनधन योजना है, कम लोग जानते हैं इस बात कि उसमें 5,000 का ओवरड्राफ्ट मिल सकता है यदि आपका रेगुलर चल रहा है। पैसा हो रहा हो, 100 रुपए डले, 100 रुपए मिल गए, 200 रुपए डले, फिर निकाल लिए, रेगुलर चल रहा है। तो मेरे पड़ोस में हमारे बाल्मीकि समाज की कॉलोनी है, वहां की महिलाएं बोले विधायक जी, उसमें विधायक था कि किसी से 5,000 रुपए उधार लेवा दीजिए किसी साहूकार से, उनका क्यों चाहिए होगा। तो बोली कि मेरी बच्ची बीमार है, डॉक्टर ने 10,000 रुपए करीब का खर्चा बताया है, 5,000 तो करीब मेरे पास है, 5,000 और चाहिए उसकी जीवन बचाना। तो मैंने पूछा तुमने जनधन योजना में खाता खोला है? तो बोली हाँ खोला है। मैंने कहा जाओ पे ऑर्डर बनाओ, 5,000 रुपये बैंक आपको देगी, पूरे उसमें 200-250 रुपये पड़ जाए बस। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये व्यवस्था है उसमें, नहीं दे तो मुझे फोन करना, मैं मेरे दिल से बात करूँ। उसको 5,000 रुपये मिले, उसने उसका इलाज कराया, उसकी बच्ची की जान बच गई। आज उसके घर के आंगन में उसकी बच्ची की पिलकारी मिल रही है, उसके अच्छे दिन आए हैं। यह दिया है मेरे नेता ने अंतिम जोर पर बैठे हुए। अगर मान लीजिए वो कहीं से उधार लेती तो साहूकार के शिकंजे में फंस जाती, उसके ब्याज दरें दब जाती, और अगर नहीं लेती उधार तो बच्ची से हाथ धो बैठती। यह दिया है मेरे नेता ने। अब यह घटना कितनी मार्मिक है अगर इस ढंग से प्रस्तुत की जाए, छोटी सी क्लिप बनाकर, और आपके जो ग्रुप्स हैं, जो भी फेसबुक है, ट्विटर है, जो भी हो उससे उसका प्रसार प्रचार, तो उनके योजनाओं के महत्व को समझेगा। ये मैं अंतिम छोर पर बैठे जो काम किए मोदी जी, उनकी बात करता हूं। अभी संकल्प पत्र में भाई कई बातें ऐसी उनको उठाइए एक एक करके। जैसे मैंने कहा सरकारी तौर पर पढ़ा, मैंने लिखा कि क्या क्या है इसमें, गांव वही किसान या महिला का सम्मान वगैरह वगैरह है, उनको विषय बताइए, बताइए अपने माध्यम से कि राजनीति आज किस दौराए पर पड़ी। बिल्कुल दो भागों में राजनीति पड़ी, और ये चुनाव कहां जाएगा, देश को कहां ले जाएगा, ये तय करने वाला है कि देश किधर जाएगा। अभी अभी भारत माता की जय बोल रहे थे सब, लेकिन सहारनपुर का इमरान मसूद जो लड़ चुनाव लड़ रहा है, वो अपने लोगों में बयान कर रहा था भारत माता की जय नहीं बोलिए, वंदे मातरम नहीं बोलिए। ये भाषण में लोग कह रहे हैं, लेकिन अगर इसको इस ढंग से प्रस्तुत की जाए, एक देश का नेता ऐसा भी है और इस जो कहता है कि मेरे गर्दन पर तलवार रख दो मैं भारत माता की जय दूं, जिस देश का खाल उस देश की जिसको हम मां मानते हैं, देश मेरे गर्दन पर तलवार रख दो मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। और शर्मनाक स्थिति ये कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा जितने भी राजनीतिक दल है वो मौन रहते हैं इस बात। एक राजनीति ये है कि क्या राजनीति इधर ले जानी है देश की, या एक राजनीति वो कि मेरा नेता लंदन के चौराहों पर, मास्को के मैदानों पर, न्यूयॉर्क के स्टारों पर, विदेशों से भारत
पता कि जब उठवाता है मेरा सीना 56 इंच का होता है। ये इसकी कृपा है। कौन सी राजनीति इस देश में चल रही है? सिर्फ तुष्टिकरण के लिए ये बात बोली जाएगी, घोष होना चाहिए कि यदि भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। इसको प्रसार प्रसार करना चाहिए। प्रसार प्रचार कंपनी के प्रसार प्रचार करेगी और तय करना पड़ेगा कि राजनीति किधर जाए। क्यों राजनीति गलत नहीं होती? जैसे लोग कहते हैं कि राजनीति बड़ी गलत है, राजनीति गंदी है। राजनीति किसको सौंपे? राजनीति उत्तर प्रदान की भांति होती है, जैसे देखिए ये बोतल है, पानी बोतल में तो बोतल का आकार है, घड़े में रखते हैं घड़े का आकार, कटोरे में रखते हैं कटोरे का, गिलास में रखते हैं गिलास का आकार। राजनीति किनको सौंप रहे हैं? राजनीति वैसा आकार देती है। राजनीति राम के हाथों थी, राजनीति भक्ति थी। राजनीति कृष्ण के हाथों पहुंची, युक्ति बनी, कृष्ण हर का युक्ति से आप सब जानते। राजनीति रावण के हाथ पहुंची, शक्ति बनी। राजनीति इंदिरा जी केजरीवाल और लालू जैसों के हाथ पहुंचती है तो आसक्ति बनती है। जेल में है, कुर्सी नहीं छोड़ी। चुनाव में इंदिरा जी को हरा दिया गया था कि आपका चुनाव अवैध हो गया, कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, देश को आपातकाल में झोंकना पड़ा, कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, ये आसक्ति है। तो राम के हाथों भक्ति, कृष्ण के हाथों युक्ति, रावण के हाथों शक्ति, इंदिरा जी के हाथों आसक्ति, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे हाथ पहुंचती विरक्ति बनती है, मुलायम सिंह के हाथ पहुंचती है तो समाज की विभक्ति बनती है, मायावती के हाथ पहुंचती है तो उनके लिए संपत्ति बनती है, और जब मोदी और योगी के हाथ पहुंचती है तो राष्ट्र भक्ति बनती है। तो उसका अंतर बताना पड़ेगा अपने मन में। भाषण का असर कम होता है, जैसा मैंने कहा कालवेश भाट के क्रम में देखने का असर ज्यादा। और आज तो घर घर में एक एक व्यक्ति में दो दो मोबाइल, एक एक घर में चार मेंबर है, 8 मोबाइल हो गए, उसके माध्यम से पहुंचाना है अपनी बात। अब एक वो सीख भी था इस देश ने देखा, राजनीति का वो दौर भी देखा कि हमारे सैनिकों के सर काट के भेजे गए थे और इस देश का प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को फिर पत्र लिखा, ये बड़ा निंदनीय कार्य हुआ है, ये नहीं होना चाहिए, और अपनी कर्तव्य की इति सिद्ध कर लेता है। देश की जनता के दिलों में आग लगी हुई थी, कुछ होना चाहिए, बदला लेना चाहिए, सैन्यवाहिनियां बचल रही थी कि हमें आदेश करो हम कुछ करेंगे, कोई सैनिक कमजोर नहीं था पाकिस्तान के आगे, उनके हौसले क्यों बड़े हुए थे? क्योंकि हमारे राजनीतिक नेतृत्व कमजोर। और दूसरा तो भी देखा आपने, पुलवामा हुआ तो 70 किलोमीटर घुसकर सेना ने मारा है, एक राजनीति मेरा नेता देख रहा था टीवी पर ये काम होना चाहिए, जिन्होंने मारा है जैसे को तैसा ईट के जवाब पत्थर, और 70 किलोमीटर तो सेना घुसी थी। आम हिंदुस्तानी का खौफ पाकिस्तान में 700 किलोमीटर घुसा था, यह दिया है। इसी पर छोटी क्लिप बनाई बताइए, इस तरह के न जाने कितने काम है जो राजनीति को दिखा रहे हैं। राजनीति अब माफियाओं पर क्या था उत्तर प्रदेश का राज्य,
मैं गया था इस नगर पार्टी के चुनाव में, जब अतीक उनके खिलाफ चुनाव लड़ा, दहशत थी वहां के लोगों में। मैं जहां बात करता था तो मैं अपनी टीम को लेकर गया था मेरे घर केसरी चुनाव हार, तो भागे लोग बोले कैसी बात कर रहे हो, जब यहां का जनता यहां की वोटर भूलने में हिचका है तो भूल क्या देगा, ऐसा कहो। वो जमाना था जब माफियाओं के फ्लीट निकलते थे, जनता खौफ ज्यादा होकर घरों में घुसती थी, और एक आज जमाना है कि जब उनके फ्लीट पुलिस लेके निकलती है तो उनके चेहरों के खौफ देखने जनता घर से निकलती है। ये बताओ, देखा होगा आपने जब अतीक को जेल भेजा जा रहा था, रस्ते में गाय आ गई थी, कार रुक गई थी, उसका वो चेहरा टीवी पर दिखा, मौत का खौफ उसके चेहरे पर देखा था। वही माफिया है जिसके वजह से लोग खौफजदा थे, राज बदल गया तो वो खौफजदा हो गया। ये बताओ कौन बताएगा जनता को कुछ, किस से कर बताए, भाषण का असर कम होता है जनता आपसे, दिखाने का असर ज्यादा। क्योंकि मेरे नेता ने समुद्र से सूरज तक दिया है इस देश को, समुद्र के तल से सूरज की ऊंचाइयों तक कुछ ना कुछ भारत का विकास किया है। चांद तक पहुंचे हैं, कौन बताएगा। अब शौचालय बना रहे हैं, तो देखिए आप कल्पना करिए, जब हम शौच आदि के लिए महसूस करते हैं तो फौरन कहीं तलाशते हैं कहां शौचालय, और गांव में जहां शौचालय नहीं थे वहां की महिलाएं या तो पौ फटने से पहले या सूरज अस्त होने के बाद निवृत्त के होने जाती थी, इस बीच में कैसा कष्टप्रद उनका जीवन होता होगा। बात बहुत छोटी है लेकिन कितनी उस अंदर की छूने वाली, ऐसी महिलाओं की इंटरव्यू लीजिए छोटे छोटे, कि आपको कैसा लगाया वो शौचालय मिला, उनके अनुभव को साझा करिए। जिनको गैस को सिलेंडर मिला वो पता है कि एक दिन में 100 गैस सिगरेट का धुआं इनहेल करती थी, वो फेफड़े खराब होते थे, आंखें खराब होती थी, इससे पहले किसने सोचा उनके बारे में। हमारे नेता पूरे देश और आज उनके यहां पर गैस का धुआं है, उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया, जिनको घर मिले, अब घर मिलने का सिर्फ घर नहीं मिला, दो तीन कमरे नहीं मिले, सामाजिक सम्मान मिला। मैं जानता हूं अपने कार्यकर्ताओं में जिनको मिलाया, जिन जनता के जिन लोगों को मिला, उनका बच्चा अपने मित्रों से मिलता था गली के बाहर ही मिलकर पिता कर देता, क्योंकि वो जानता था कि इसको घर के अंदर लाऊंगा, टप्पर टप्पर छप्पर वाला घर कैसे इसको लाऊं। जब घर मिल गया तो शान से लेकर आता था, आज सम्मान बढ़ा है। ये बताइए, घर नहीं मिला है, आत्मसम्मान मिला है, घर नहीं मिला है। जब लड़की वाले आते हैं उनके लड़के के लिए मिलने और देखते रहे ऐसा घर है, यहां मेरी लड़की को ब्याह कर चलो, आज घर देखते लड़की को ब्याह के लिए उत्सुक होते हैं, यह मिला है। इन अनुभव को निकालिए, उनका प्रसाद प्रचार करिए अपने मीडिया सोशल मीडिया के माध्यम से,
ये जो अनुभव होंगे वो जब साझा होंगे तब इसका असर ज्यादा होगा। अपने छोटे छोटे क्लिप बनाइए, आप हम लोग अपनी बना सकते हैं कि हमारे नेता ने जैसे मैंने कहा समुद्र से सूरज तक और चौके से चांद तक का काम किया है, ये किया है हमारे नेता ने। प्रेरित करिए कि आप लोग घर मत बैठिए, आने वाला चुनाव देश की दिशा तय करेगा, जब राजनीति की दिशा तय, राजनीति किधर ले जानी है या राजनीति किधर। शिक्षा चिकित्सा ये मानव जीवन की तो आवश्यकता है, सबसे पहली आवश्यकता चिकित्सा और शिक्षा होती है। बताइए क्योंकि तो मेरा विभाग है इसलिए बताता हूं, हर विभाग की उपलब्धियां हैं। आपको आश्चर्य होगा आप में से भी कम लोग जानते हो, जबकि इतने जागरूक पार्टी के जागरूक कार्यकर्ता है, एक्टिव वर्कर है, फिर भी कम लोग जानते होंगे। 70 साल हो गए इस प्रदेश को आजाद, देश को आजाद हुए, इस प्रदेश में अभी तक 8 मंडल ऐसे थे, कमिश्नरी ऐसी थी जहां पर सरकारी विश्वविद्यालय नहीं था, जो जनता की सबसे ज्यादा आवश्यक है, आवश्यकता है उस पर यह चिंता तत्कालीन हुक्मरानों की, एक भी सरकारी विश्वविद्यालय नहीं। और हमारे नेता ने आते ही इन 2 सालों में सब मंडल में सरकारी विश्वविद्यालयों का शिलान्यास हो चुका है या निर्माणाधीन है या निर्माण हो चुका है। तो ये उपलब्धि है, इन उपलब्धि की चर्चा होनी चाहिए। इससे पहले उत्तर प्रदेश में एक भी विश्वविद्यालय जो ग्रेडिंग होती है, नेट ग्रेडिंग होती है और यूजीसी की ग्रेडिंग होती है और वर्ल्ड की ग्रेडिंग, एक भी विश्वविद्यालय बी प्लस श्रेणी का भी नहीं होता ग्रेडिंग, एक भी। इतनी वाहियात स्थिति थी उत्तर प्रदेश की सर्व शिक्षा में। और आज इन 2 साल के अंदर नए ग्रेडिंग में, नए रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के 6 सरकारी विश्वविद्यालय ए डबल प्लस, 4 विश्वविद्यालय ए प्लस और 4 विश्वविद्यालय ए ग्रेड, 6 सरकारी विश्वविद्यालय ए प्लस ग्रेड और 2 हमारे लखनऊ और कानपुर विश्वविद्यालय यूजीसी की ग्रेड 1 में आज हिंदुस्तान के ग्रेडिंग में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। ये तो शिक्षा का दौर बहुत दौर वो था और इस शिक्षा का दौर अब है। अभी 2 साल के अंदर 22 निजी विश्वविद्यालय, योगी जी का लक्ष्य है कि हर जिले में एक विश्वविद्यालय हो, हर मंडल में सरकारी, हर जिले में निजी, तो 22 निजी विश्वविद्यालय हो। और कोई छोटे मोटे रंग के नहीं है, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, जेएसएस बेंगलोर का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय गलगोटिया, इन सबको अवसर मिला कि नया विश्वविद्यालय खोलेंगे। तो 22 को एलवाई में चुनी है, उसमें 10 को एलओपी में, ये चल रहा है। अब आप सोचेंगे इस ग्रेडिंग का इसका असर क्या होता है, कुछ लोग ये दिमाग में सोच रहे होंगे। तो ग्रेडिंग का असर ये होता है कि जिस लखनऊ विश्वविद्यालय में 2 साल पहले तक, इस ग्रेडिंग से पहले तक 80 विदेशी छात्र पढ़ते थे, आज 900 से ऊपर विदेशी छात्र पढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा का हब बनने जा रहा है, ये पहले हम लोग पढ़ने जाते थे, अब विदेश और अन्य प्रदेशों में, प्रदेशों में लोग यहाँ पढ़ने आएंगे, उत्तर प्रदेश शिक्षा का हब बनेगा, रोजगार मिलेगा। तो
ऐसी योजना है, इन सबको प्रसार और प्रचार चाहिए, घर घर पहुंचने चाहिए। और ये जो मीडिया है, सोशल मीडिया, ये सबसे सशक्त माध्यम है घर घर अपनी बात पहुंचाने का, अपने में चर्चा करने का, अपने को पहुंचाने का। इसलिए आपसे अनुरोध है, टेक्निकल बातें जो आपको बताई है और हमारी जो उपलब्धियां है वो कैसे चर्चा बनाया जा सकता है, यही बात।